अरे हम अरे हम अरे अरे हम अरे हम अरे हम अरे अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे हाँ वंदे परम पावन वंदे सच्चा सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन सुप्रभात गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ओम अरहम। बंधु और बहनों हमें ध्यान करवाने के लिए सूरत से अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। थोड़ा सा आलस निकाल दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। यस, दोनों हाथ खींच लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लीजिए, पूरा झुकिए, पूरा झुकिए, आगे पीछे सर्कल भी कर लीजिए, पूरे कमर को भी झटका लगे, गर्दन को भी लगे, आगे पीछे आगे पीछे, हाथ से भी थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को। कुछ लोग को सचमुच बहुत धन्यवाद, इतने जल्दी उठ के ज्वाइन भी कर लेते हैं, थोड़ी नींद होती है, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है। यस, वेरी गुड। थोड़ा अपने चेस्ट को ब्रीदिंग के लिए तैयार कीजिए। यस, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं वेरी रिलैक्स। चलिए, सभी समवृत्ति श्वास परीक्षा के लिए तैयार। ध्यानासन, जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक और स्थिरता से बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन अथवा सुखासन। और उम्र के हिसाब से या कोई समस्या हो, और अगर आप आसन में से कोई भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, कुर्सी में बैठे हो, सोफा पे बैठे हो तो भी चलेगा, बस सीधा बैठना है और सूचनाओं को ध्यान देना है। ध्यान की मुद्रा, हाथ की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित करें, बाएं हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना दबाए कोमलता से बंद करें, गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधे, कंधे ढीले छोड़ दीजिए। रिलैक्स पोजीशन में 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, लंबा श्वास लेना ना भूले।
श्वास भरे। ये सूत्र पे खई आते ग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देख। संकल्प मेरे साथ सभी दोहराएंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। ध्यान का अगला चरण कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग यानी शरीर का शिथिलीकरण एवं जागरूकता के साथ। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। प्रतिमा की भांति स्थिर और अडोल, कोई हलन चलन ना करे। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे। सुझाव दे पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल। छोड़ दे पूरे शरीर को, छोड़ दे शिथिल, अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया, क्षेत्र हो गए। पूरे ध्यान कालावधि तक यही कायस्थ मुद्रा बनाए रखे। समृद्धि श्वास प्रेक्षा, श्वास को मंद करे, धीरे धीरे लंबा श्वास ले,
लंबा श्वास छोड़े, श्वास को लयबद्ध और समताल करें, अर्थात पहले श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे, श्वास भरे तब पेट की मांसपेशियां फूलती है, और छोड़े तब पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। इसी अनुभव के साथ 2-3 दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें, प्रत्येक समृद्धि श्वास वृक्ष। बाएं नथुने से श्वास ले, दाएं नथुने से श्वास छोड़े, फिर दाएं नथुने से श्वास ले, बाएं नथुने से श्वास छोड़े। संकल्प शक्ति द्वारा ऐसा कर सकते हैं। अगर संकल्प शक्ति द्वारा नहीं हो रहा है तो हाथ की प्रणव मुद्रा करें। अंगूठा, राइट अंगूठा राइट नाक पे रखें, बाएं नथुने से श्वास ले, बाया नथुना बंद, दाएं से श्वास छोड़े, दाएं से श्वास ले, दाया नथुना बंद, बाएं से छोड़े। इसी तरह बाएं नथुने से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं नथुने से लेना है, बाएं नथुने से छोड़ना है। श्वास को सांस के साथ जोड़े, चित्त और श्वास दोनों साथ साथ चले, केवल श्वास का अनुभव करें। समृद्धि श्वास का प्रयोग करते रहे। जिनके हाथ ऊंचे हवा में है वो हवा में ना रखते हुए अपने शरीर के पास रखे, ताकि हल्का लगेगा, वरना हाथ ज्यादा देर ऊपर रहने से दर्द हो जाता है। हाथ को एकदम हल्का रखना है। जो हाथ का प्रयोग कर रहे हैं यानी प्रणव मुद्रा कर रहे हैं, उनका हाथ शरीर के पास चाहिए। चित्त और श्वास दोनों साथ साथ चले। श्वास
श्वास भीतर चित्त भीतर, श्वास बाहर चित्त बाहर। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ समृद्धि श्वास का प्रयोग करते रहे। यही समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग श्वास संयम के साथ करेंगे। बाएं नथुने से श्वास ले, उसे भीतर रोके। दाएं नथुने से श्वास छोड़े, उसे बाहर रोके। दाएं नथुने से श्वास ले, उसे भीतर रोके। बाएं नथुने से श्वास छोड़े, बाहर रोक के। ये पूरा सर्कल होता है, इसी प्रकार करते रहना है। बाएं नथुने से श्वास ले, उसे भीतर रोके। धीरे धीरे दाएं नथुने से श्वास छोड़े, उसे बाहर रोके। दाएं नथुने से श्वास ले, उसे भीतर रोके। बाएं नथुने से सांस छोड़े, उसे रोके। इसी प्रकार श्वास संयम के साथ प्रयोग करते रहे। ध्यान रहे, जबरदस्ती ना करे। जितना सुविधा पूर्वक रख सकते हैं, यानी भीतर, उतना ही रखे। नियमित अभ्यास से भीतर रोकने का समय बढ़ सकता है। धीरे केवल श्वास और मैं, श्वास के प्रति पूरी जागरूकता के साथ प्रयोग करें। घर में प्रयोग करें रोज, तब एक नोटबुक पे नोंद भी करें कि मेरा श्वास भीतर कितनी देर रुकता है, बाहर कितनी देर रोक सकते हैं। इसका अभ्यास करना है। श्वास कितनी देर लेते हो, छोड़ने में कितना समय लगता है। घर पे प्रयोग करें तब इस पर पूरा ध्यान देकर
उसकी नोन करके इसमें प्रगति करते जाना है, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ाना है। श्वास लेने का समय, रोकने का समय, छोड़ने का समय, सभी श्वास से प्रयोग धीरे धीरे प्रगति होती है या नहीं ये देखना है। संयम के साथ समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते रहे। मेरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, पूरा ध्यान केवल श्वास पर। कोशिश करिए चित्त भीतर, श्वास भीतर तब चित्त भीतर, श्वास बाहर तब चित्त बाहर। श्वास के प्रति पूरी जागरूकता, जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा करें। उसके बाद दो तीन लंबे श्वास के साथ समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग संपन्न। ध्यान का अगला चरण छोटी केंद्र प्रेक्षा, चित्त को छोटी केंद्र पर ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें, सेंटर ऑफ द फोरहेड। वहां पूर्णिमा के चांद चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। रंग नहीं दिखाई दिया तो भी कल्पना करते हुए श्वेत रंग का ध्यान करना है। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाए, अनुभव करें पूरे ललाट पर श्वेत रंग फैल रहा है।
ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान करे। अनुभव करे धीरे धीरे श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट अंदर और बाहर श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। श्वेत रंग आनंद शांति सत्य प्रसन्नता का प्रतीक। मन शांत आवेग आवेश शांति और आनंद का अनुभव करे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आनंद की अनुभूति। आनंदों में वर्षति वर्षति चारों तरफ आनंद ही आनंद शांति। मैं पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। दो तीन लंबे श्वास। विवेक सूत्र अपना सच में से जा मेरे तिम भोए का पे स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। आमन शुभेच्छा चरणं पामोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करे। दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करें। शरण सूत्र एक साथ सभी बोलेंगे। अरहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवचामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ।
जो वंदनासन में आ सकते वो वंदनासन में आए, जो वंदनासन में नहीं आते वो उसी स्थिति में पूरा पेट को दबाकर नतमस्तक जमीन तक ले जाने की कोशिश करे, श्वास भरते हुए वंदे और छोड़ते हुए सज्जन। श्रद्धा सूत्र के लिए तैयार, श्वास भरे वंदे, श्वास भरते हुए सीधे मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, श्वास वंदे अच्छा सत्यम, श्वास भरते हुए वंदे सत्यम, श्वास भरते हुए सीधे ओम हर हम अमर हम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी।